अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। प्रबंध न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हिंदू के आराध्य देवक माने जाने वाले और सभी संकटों को दूर करने वाले गणपति बप्पा का आगमन आज हुआ है। ये आज परभणी शहर के मनारनपेट इलाके में पीआई कुंदन कुमार वाघमारे के नियंत्रण में आज यहाँ के मार्गदर्शन में उनके यहाँ का बाजार भरा गया। यहाँ पर छोटे छोटे से गणपति से लेकर तो बड़े बड़े गणपति बप्पा को बेचा गया। बाजार में बड़ी खरीदने के लिए भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। इस समय हमारे संवाददाता ने जो वहाँ की जायजा लिया और वहाँ के जो फोटो सेशन किया, आइए आपको दिखाते हैं। ये सब कोरोना की वजह से 2 साल से बहुत परेशान थे। ये साल में अच्छा जरा माल बिका, हमारा जरा आनंद है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। परभणी जिले में लगातार बारिश के कारण अतिवृष्टि ने और नदियों को आए हुए बाढ़ से परभणी जिले में किसानों के फसलों के हुए नुकसान को लेकर महसूल मंत्री बाला साहब थोरात इन्हें अवगत कराते हुए प्रशासन को तुरंत पंचनामे कराने के आदेश देने की मांग की गई। इस समय पाथरी चुनाव क्षेत्र के विधायक एवं परभणी जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश राव वरपुड़कर, पूर्व नगर अध्यक्ष एवं ज्येष्ठ कांग्रेस लीडर एवं कॉर्पोरेटर विखार अहमद खान, मौलाना जहीर अब्बास, सिराज भाई आदि दिखाई दे रहे हैं। तहसील के टाकड़ी कुंभकर्ण इस गांव के सरपंच प्रभाकर जायसवाल इनकी ओर से आज तारीख 10 सितंबर 2021 शुक्रवार के रोज मौसम का अंदाज और हाल किस तरह से रहेगा इसकी जानकारी किसानों को देने वाले किसान प्रेमी किसान पुत्र पंजारो डक इनका टाकड़ी कुंभकर्ण में आगमन होने पर उनका बड़े पैमाने पर नागरिक सत्कार किया गया। इस समय किसान वहाँ पर जमा होकर बाजे गाजे के साथ बैलगाड़ी में उनकी रैली निकाली गई और उनका बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया। इस समय पंजारो डक इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। भारत हा कृषि प्रधान देश है आणि या अर्थव्यवस्थेचा ठिकाणा शेती है आणि सगळ्यांची शेती या निसर्गावर आधारित है, हवामान आधारित है, या बदलत्या वातावरणात है। पण सगळे शेतकरी शेती करायले फक्त एका गोष्टीमुळे सगळ्यांचं नुकसान होऊ लागलं, ते म्हणजे हवामानाचा अचूक अंदाज भेटत नव्हता। मी स्वतः जवळपास 16 वर्ष अभ्यास करून हवामान अंदाज शेतकऱ्यांना देण्याचं ठरवलं आणि मी आता माझ्या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून 3 कोटी लोकांना मोफत मेसेज देत असतो आणि शेतकऱ्याचं नुकसान वाचवत असतो। शेतकऱ्याचं सोयाबीन वाचवणे, शेतकऱ्याचं कापसाचं नुकसान वाचवणे, हळदी वाचवणे, कांद्याचं नुकसान होऊ देणे, द्राक्षाचं नुकसान होऊ देत नाही, या सगळ्या गोष्टीचा 15 दिवसांआधी शेतकऱ्यांना कल्पना देत असतो आणि सगळ्यांचं नुकसान टाळीत असतो। हे जे कार्य मी शेतकऱ्यासाठी एक शेतकऱ्याची मदत करण्याचा एक गुगळी धामणगावातल्या शेतकरी मी असून आणि मी सगळ्यांना मदत करण्याचा एक विडा उचलले। अतिवृष्टि के कारण नुकसान का मुआवजा तुरंत देने की मांग। लगातार बारिश के कारण अतिवृष्टि हो जाने से किसानों के फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बाढ़ में किसानों के जानवर बहकर गए हैं। इस अतिवृष्टि में ग्राम इलाके और शहर इलाके के घरों की भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों के 1 हेक्टर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों के पशुधन का नुकसान हुआ है उनके पंचनामे कर तुरंत मुआवजा दिया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो बीजेपी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। इस तरह का निवेदन उप जिला अधिकारी के तहत मुख्यमंत्री को आज तारीख 9 सितंबर 2021 शुक्रवार के रोज दिया गया। इस निवेदन पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राम जय सिंह छेड़के पाटिल, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राम प्रसाद पौड़, भाजपा युवा मोर्चा के जिला सरचिटनीस अभिजीत रोडगे, भाजपा युवा मोर्चा के जिला चिटनीस नागेश ठाकुर, भाजपा अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष लालू खान, ताटे मधुकर वाघ, खाजा बेग, आशीष जटाल साथ आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। जमीयते उलमाए हिंद की ओर से जरूरतमंदों को अनाज के किट बांटे। आज तारीख 9 सितंबर 2021 गुरुवार के रोज आथरी तहसील के हथगांव नखाते में 100 परिवारों के घर पर राशन किट दिए गए। लगातार बारिश के कारण हथगांव नखाते गांव के इंदिरा नगर झोपड़पट्टी इलाकों में पानी जमा हो जाने से लोगों के संसार उपयोगी चीजें अनाज का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। प्रशासन पंचनामे कर आज तक किसी प्रकार की मदद गाँव वासियों को नहीं मिली। राजनीतिकों ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। इस मदद न मिलने के कारण ग्राम वासियों में नाराजगी व्यक्त की जा रही है। ऐसे में आज 9 सितंबर 2021 गुरुवार के रोज जमीयते उलमाए हिंद पाथरी की ओर से 100 जरूरतमंद परिवारों को राशन की किट हथगांव नखाते में दिए गए हैं। इस समय जमीयते उलमाए हिंद पाथरी से अध्यक्ष मौलाना खमरुद्दीन नदवी, मौलाना मुजाहिद कासमी, मौलाना शामिर, मौलाना एजाज, हाफिज अली, हाफिज सर, यासिन पठान, हाफिज इलियास, शेख हशम, शेख अजहर अदगावकर, मुजाहिद पठान, कलीम पठान, सैयद मुजाहिद, शेख अखिजर, सलमान पठान, शाहरुख पठान, इरफान हमीद तामुड़ी, शेख हकीम, शेख अहमद, शेख ईसा, शेख यूसुफ के साथ ग्रामवासी मौजूद थे।
पे रिलायंस कंपनी फसल बीमा अर्ज जमा करने के लिए यहाँ के दत्त मंदिर के सामने शटर में किसानों को नुकसान फसलों का बीमा मिलने के अर्ज जमा किए जाने से बीमा कंपनी के कर्मचारी ऐसी जगह बैठकर किसानों के अर्ज लेकर उन्हें समाधान कर रहे हैं, इसलिए किसानों में शक का माहौल दिखाई दे रहा है। मानो तहसीलदार इस ओर ध्यान दे, ऐसी मांग किसानों की ओर से की जा रही है। दिल्ली में राबिया सैफी पर बलात्कार कर क्रूरता के साथ खून करने वाले अपराधियों की जांच कर उन्हें तुरंत फांसी की सजा दे, ऐसा निवेदन बहुजन समाज पक्ष की ओर से जिंतूर नायब तहसीलदार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। इस निवेदन पर राजेंद्र घनसावंत, अशोक शिंदे, राहिल खान, शेख शब्बीर, शेख मुनाफ, मोहन रनबावड़े, रियाज खान आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय उन कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दिल्ली है भारताच्या राजधानीचं शहर आहे आणि जिथून संपूर्ण देशाचा कारभार चालतो अशा ठिकाणी दिल्ली राजधानी शहरामध्ये आमची महिला आज सुरक्षित नाही आहे। सर्वसाधारण महिला असती तर एक वेळेला आम्ही समजून घेतलं असतं, परंतु जी राबिया सैफी आमची भगिनी आहे ही दिल्लीच्या पोलीस डिफेन्समध्ये नोकरी करते, जी देशाच्या रक्षणार्थ महिलांच्या रक्षणार्थ या देशामध्ये देशाची देशसेवा करत आहे, आज तिच्यावर इतके अमानुष पद्धतीनं 4-4 जणांनी सामूहिक बलात्कार केला, तिचे स्तन कापले, गळा कापला व शरीरावर 49 जागेवर चाकूनं वार केले, ही अतिशय अमानवी आणि मानवतेला काळीमा फासणारी गोष्ट आहे। अशा लोकांना कायद्याचा बडगा हा उगारलाच गेला पाहिजे आणि अशा लोकांवर खूप स्ट्रिक्ट पद्धतीने कारवाई झाली पाहिजे। हे प्रकरण जितकं निर्भया प्रकरण देशाभरामध्ये राहिलेलं आहे तशीच ही सुद्धा देशाची मुलगी आहे असं समजून शासनानं, प्रशासनानं आणि न्यायपालिकेनं या प्रकरणाचा गांभीर्यानं विचार करावा, हे प्रकरण फास्ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवण्यात यावं आणि दोषींवर कडक कारवाई करून त्यांना फाशी शिक्षा झाली पाहिजे असं आम्हा बसपा युनिटचं म्हणणं आहे, असं संपूर्ण देशाचं म्हणणं आहे। आणि असं झालं तरच या देशामध्ये स्त्री सुरक्षित आहे असं म्हणता येईल, कारण की ग्रामीण भागामध्ये जे काही शहरातल्या घटना घडतात, जो जेव्हाही कुठं क्राईम घडतो, गुन्हा घडतो, त्याचा प्रसाद पडसाद हे संपूर्ण समाजावर उमटत असतात आणि अशा प्रकारच्या घटना जर देशामध्ये घडत राहिल्या तर ग्रामीण भागातील लोकांनी आपल्या मुलींना शिकवायचं की नाही, घराबर पाठवायचं की नाही, असे मोठे प्रश्न या ठिकाणी उभे राहतात। आणि देशामध्ये एकीकडे महिला सबलीकरणाचं मोठं वारं चालू आहे, परंतु एकीकडे महिला सबलीकरण चालू असताना देशामध्ये अशा घटना घडत आहेत तर आमचं महिला सबलीकरण कुठे पोकळ ठरत आहे का, अशी पण या ठिकाणी आम्ही विचार करणं गरजेचं आहे। त्यामुळे जिंतूर बसपा युनिटच्या वतीनं आम्ही दिल्ली या ठिकाणी राबिया सैफीवर झालेल्या बलात्काराची जाहीर कडक निंदा करतो आणि त्या सर्व दोषींना त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, हे प्रकरण फास्ट्रॅक कोर्टात चाललं पाहिजे आणि त्या दोषींना फाशी झाली पाहिजे, अशी या ठिकाणी निवेदन करत आहोत। और उसके ऊपर जो जुल्म सितम किया गया वो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देता है। आज के इस माहौल में जिस मुल्क के अंदर महिलाओं को देवी और महिलाओं को मान सम्मान दिया जाता है, उसी मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, सवाल ये पैदा होता है कि बेटी उस वक्त पढ़ाई जाएंगी जब बेटी बचेंगी। जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है, बेटी ही जो है तो महफूज नहीं है, तो फिर बेटी पढ़ाने का सवाल पैदा नहीं होता। एक अदालत से ये है कि वो निर्भया थी और ये नगमा राबिया सैफी हैं, दोनों हिंदुस्तान की बेटियां हैं, दोनों के अंदर कोई भेदभाव ना किया जाए। और जिस तरीके से निर्भया के टाइम पर आवाज़ उठाई गई, मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि पूरा देश रास्तों पर आए और हुकूमत को मजबूर करे और न्यायपालिका को मजबूर करे कि राबिया सैफी को भी इंसाफ मिले और ऐसे कानून इस मुल्क के अंदर बनाए जाए जिससे फिर कोई और लड़की निर्भया और राबिया सैफी ना बनने पाए। अतिवृष्टि के चपेट में आए हुए घरों की और खेती के नुकसान का मुआवजा हेक्टरी 50,000 दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन मानवत तहसील के पालोदी ग्राम पंचायत की ओर से तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया है। इस निवेदन पर पालोदी ग्राम पंचायत के सरपंच सो रंजनाताई काकड़े, सूरज काकड़े, उप सरपंच तौफीक खान, रफीक खान पठान, रिजवान शेख वजीर, बाला साहेब काकड़े, आसाराम काकड़े, आकाश लाटे, पद्माकर तरपले, पंडितनाथ तरपले, केशव काकड़े, रामराव काकड़े आदि के हस्ताक्षर है। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.